की कढ़ी और राजमा अच्छी होती है, मेरे को अच्छी लगती है। हाँ भाई खाने हैं, क्या खाना है? राजमा चावल। राजमा चावल भैया, राजमा चावल पकड़ा। कैसे लग रहे हैं राजमा चावल? इनका कढ़ी चावल बहुत फेमस है, हम लोग भी यहाँ पर डे खाने आते हैं। भाई पूरी गारंटी है पूरे फरीदाबाद में कि 20 रुपए में इससे अच्छा राजमा चावल और कढ़ी चावल कहीं मिल जाए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फूडी विशाल, और आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं। फरीदाबाद के मशहूर कढ़ी चावल और राजमा चावल आपको हम खिलाने लाए हैं। तो भाई जगह भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, कितने का है, टेस्ट कैसा है और कहां पर है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं। आज हम आए हैं फरीदाबाद फास्ट फूड और इनके कढ़ी चावल, मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज करा कि भाई इनके कढ़ी चावल ट्राई करो, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही वाजिब दामों में होते हैं। तो चलते हैं भैया के पास और सारी चीज़ें जानेंगे। रिसेंटली हमने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, तो जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स आते हैं। तो सीधा भैया से ही बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल? हाँ जी। क्या बात है। तो आप बेसिकली मुझे ये बताओ, ये काम जो आपने यहाँ पे कड़ी दिख रही है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब राजमा, ये कब कितने दिन पहले शुरू किया आपने इसको? 2 से 2.5 महीने हो गए मुझे चालू किए। 2 से 2.5 महीने, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरा रेस्टोरेंट था गोपाल जी के नाम से। गोपाल जी के नाम से? हाँ, तो 20 साल से रेस्टोरेंट चला रहा था। 20 साल से चला रहे थे? बिल्कुल सर। अरे बाप रे, तो ये किस किन कारण, कोरोना की वजह से ही बंद करना पड़ा? लेबर प्रॉब्लम और कोरोना की वजह से ही। सही बात है। तो जी आप मुझे बताएं जरा, ये क्या है? राजमा? राजमा है सर। भाई राजमा देखो इनके, क्या बात है भाई, गाढ़े गाढ़े, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है और ये गरम होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। हां कंटिन्यूअसली गरम ही रहते हैं बिल्कुल, जब भी आप आएंगे आपको ऐसा ही धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। और ये गर्मा गर्म कड़ी, मेरे को किसी ने बताया था इनके कड़ी चावल और राजमा चावल खा के जरूर आए। कड़ी में पूरा तड़का मार रखा है, थोड़ा सा उठा के दिखाइए जरा। ये देखो भाई गर्मा गर्म कड़ी, जूम करके दिखाऊं अगर मैं, बहुत बढ़िया तड़का लगा हुआ है कड़ी में। पर पकौड़ियाँ किस चीज़ की रहती हैं? ये पालक की पकौड़ियाँ, बिना प्याज की कड़ी बनाते हैं, बिना प्याज का। अच्छा प्याज नहीं डालते? नहीं, कड़ी में बिना प्याज है। हाँ जी। और राजमा में प्याज है। कड़ी बिना प्याज की और ये पकौड़ियाँ, मैं कुछ पालक की भी देख रहा हूँ, पालक की पकौड़ी, पालक की पकौड़ियाँ बनाते हो, यही इसमें डालती हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ और कुछ भी है? इसके साथ हम आपको सैलेड देते हैं, अपना होममेड अचार देते हैं। ओके। इसके साथ हमारा ये चटनी भी है आपकी, मिंट वाली चटनी, और ये हमारा सिगरेट मसाला है। क्या बात है। और राइस? राइस में राइस कौन से रहते हैं? राइस हमारे डबल चाबी गोल्डन सेला चावल यूज करते हैं। डबल चाबी गोल्डन सेला, इसमें न्यूट्री भी डाल रखी है आपने सर? बिल्कुल। भाई NIT में आएंगे और चावलों में न्यूट्री ना मिले तो फिर बात ही क्या है ना। बिल्कुल सर। यहाँ के राजमा चावल और कढ़ी चावल का बहुत टेस्टी है और रेट इनका बहुत जेन्युइन है। भैया जो आपकी 20 रुपए की जो प्लेट होती है सर, वो उसमें कितनी क्वांटिटी देते हो आप? सर एक बंदे के खाने के लिए होती है ये 20 रुपए की है? बिल्कुल सर, इसमें अभी सब्जी डलेगी, इसमें मेरे ख्याल कंटेनर ही 2 रुपए का आता होगा। जी सर, 2 से 2.5 रुपए का कंटेनर आता है। अरे बाप रे, तो बनाओ जी एक प्लेट हमारे लिए। क्या खाएंगे सर, राजमा या कढ़ी? एक कढ़ी लगाओ, एक राजमा लगाओ। भाई ये चावल देखो आप, डबल चावी चावल, राजमा चावल, और ये कढ़ी, कढ़ी बहुत जबरदस्त लग रही है इनकी, मतलब मजा सा ही आ गया देख के। भाई ये 2 पकौड़े गए कढ़ी में, क्या बात है, तड़के वाली बढ़िया कढ़ी। इसके बाद राजमा, और ये राजमा बहुत ही बढ़िया, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है भाई, एकदम पंजाबी राजमा है, लवली। उसके बाद हमारा ये सैलेड है, सारी मिक्स है इसमें, इसमें सब कुछ, गाजर भी है, गाजर मूली, तो ये सैलेड भी जाता है साथ में। उसके बाद ये हमारा सीक्रेट मसाला,
डालिए जी। क्या बात भाई, सीक्रेट मसाला भी गया। उसके बाद ये हमारी मिंट सॉस। भाई 20 रुपए का ये सौदा है, आप देखो 20 रुपए में इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब कौन कहेगा, ये जो प्लेट है सामने रखी है 20 रुपए की है। इसके ऊपर और कुछ भी है, इसके ऊपर अचार है हमारा स्पेशल घर का बना हुआ, अपना पांच चीजों का अचार, मूली, चुकंदर, गाजर, मिर्च। क्या बात है, शलगम, ये सब पूरी एक मील बना दी आपने। आप खाइए, अपने साथ लेके जाइए, सबको खिलाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखने में बहुत ही ज्यादा गजब, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और कीमत सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए। इसमें तो आप बहुत ही कम पैसे बचा रहे होंगे। सर अभी तो बस रोटी मिल रही है तो अच्छा से चल रहा है बाकी। Hi guys, my name is Jatin, so I am a regular customer. Most of the days, you know, I come here and I find this food, you know, very delicious and at a very, you know, reasonable price. तो भाई कौन कहेगा, भाई ये जो प्लेट आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की है, जिसमें अचार है, सैलड है, चटनी है, और क्या क्या पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, मसाले वसाले डाल के साथ में कड़ी और पकोड़ा। एक इसमें अचार डालते हैं, प्याज, मूली वूली के साथ पूरी एक भर के वाइट बनाएंगे। ओए होए होए, भाई गजब, असली कड़ी का स्वाद आ रहा है, बिल्कुल घर जैसी कड़ी, मसालेदार, और जो भैया ने इतनी सारी चीज़ें इसमें डाली दी हैं तो ये हो गई और भी गजब। लवली भाई, बहुत ज़बरदस्त। साथ ही में ये कड़ी के साथ साथ राजमा चावल भी रखते हैं, बहुत ही बढ़िया, गर्मा गर्म। एक बाइट इसकी भी ली जाए। भैया मज़ा आ गया आपके राजमा चावल कड़ी चावल खा के, बिल्कुल सर घर जैसा टेस्ट। इतना बड़ा बाउल मात्र 20 रुपए में, भाई और क्या लोगे आप, सीरियसली बहुत डैम गुड, मज़ा आ गया। संक्रांति का आज दिन है और हमने भी सोचा भैया के टेस्टी चावल लोगों तक भी पहुँचाए जाएँ, तो भैया आप 10 प्लेट जो है हमारे लिए पैक करके दे दो ताकि हम लोगों तक उन्हें पहुंचा सकें। कैसे लग रहे हैं राजमा चावल? बहुत बढ़िया। ये है कहाँ पे, हम खड़े हैं इस टाइम NIT 5 में, और हमारे सामने जो ये है चौक दिख रहा है आपको, यहीं पे इजी डे है, और ये NIT 5 वाली रोड है जो मेन गुरुद्वारा वाली जो रोड है, पड़ता है 5 नंबर मेन मार्केट में, बीकानेर मिष्ठान भंडार के बाहर, निरंकारी चौक के ऊपर, इजी डे के सामने। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर 3 बजे तक हम बैठे होते हैं, सुबह 10 बजे से चालू हो जाता है। भाई ये राजमा चावल और कड़ी चावल इतने गजब लगे मुझे, एक तो मैं जहाँ भी जाता हूँ टेस्टिंग करने थोड़ा ही टेस्ट करता हूँ, लेकिन आंसू निकल के खाते खाते भाई इतनी तीखी मिर्चें, और मज़ा ऐसा आ गया एकदम, सर्दी में जो कहते हैं ना टू गुड। साथ में इनकी छाछ बहुत बढ़िया है, धुआंधार, एक ही शब्द है मेरे पास। यहाँ आए इनके राजमा चावल कड़ी चावल ट्राई जरूर करें।